दोबारा वापस लेके गए तो उस साल में, उस वक्त आपकी उम्र कुछ कहते हैं कि 3-4 साल थी, कुछ कहते हैं 4-5, कुछ से मुराद उलामा, किताबों के अंदर मुख्तलिफ किताबों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं कि कोई कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 3-4 साल थी, को कहते हैं 4-5 साल थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आप दोस्तों के साथ बाहर खेलने चले जाते हैं ना पार्क में, ग्राउंड में, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, तो आप इस तरह खेलने अपने दोस्तों के साथ जब बाहर गए तो वहाँ जबरील अलैहिस्सलाम है। जबरील कौन है? फरिश्ता। जबरील कौन है? फरिश्ता। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही कौन लाता था? हज़रत जबरील। और हज़रत जबरील के पर कितने हैं पता है किसी को? 600 साल। अच्छा जी, अब वो जबरील आए फरिश्तों के साथ, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और पहाड़ पे जाके सीना खोला, ऑपरेशन किया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा देख रहे थे, ये आप अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा था। आपका सीना चाक करने के बाद अंदर से दिल निकाला और दिल के अंदर एक खून का लोथड़ा था, क्या था? उसको निकाल के जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शैतान का हिस्सा हमने निकाल दिया है। फिर उस दिल को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को एक सोने की प्लेट में रख के, किस प्लेट में? सोने की प्लेट में रख के आबे जमजम, आबे जमजम कहाँ होता है पता है? मक्का में। और आबे जमजम में क्या है? आबे जमजम में क्या है? पीना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मक्का ले जाए और आबे जमजम हम खूब पिए। अच्छा, आबे जमजम से वो दिल धो दिया गया था और साफ़ कर दिया गया था। और उलमा बयान करते हैं कि आपके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़जल से और उसकी मदद से अल्लाह ताला ने उसके अंदर इलम, हिकमत, बसारत वाली चीज़ें उसमें भर दी थी। यानी शैतान का जो हिस्सा उसके अंदर लोथड़ा था उसको निकाल दिया था और इलम वाला हिस्सा डाल दिया था। ये आपका मोजज़ा नबुव्वत से पहले था, यानी जब आप पैदा हुए थे उसके 3-4 साल बाद ये वाक़या पेश आया था, जिसको शक के सदर कहते हैं। और बाज़ कहते हैं कि ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा हुआ था, उसके बाद भी हुआ था 3-4, लेकिन ये सबसे पहले जो हुआ था। अब आपने जो याद रखना है वो ये है, जिसके बारे में कल मैं सवाल करूँगा, कि 3 से 4 साल की उम्र में थे और किसके पास थे? हलीमा सादिया के पास थे, दोस्तों के साथ खेल रहे थे। और आपको कौन से फरिश्ते लेके गए थे? जबरील अलैहिस्सलाम। याद रहेगा शक के सदर का मतलब क्या, ज़रा ऊंची आवाज़ में बताएं? सीना खोलना, सीना चाक करना। और ये किस साल की उम्र में हुआ था? 3 से 4 साल। और कौन से फरिश्ते आए थे? उसके बाद उन्होंने सीना खोला और सीने से क्या निकाला? दिल के अंदर खून का एक लोथड़ा था, उसको निकाल के फेंक दिया और दिल को क्या किया? आबे जमजम से धो के वापस उसी जगह रख दिया। और उसके अंदर क्या अल्लाह की तरफ से डाल दिया? इलम, हिकमत, बसारत, ये चीज़ें अल्लाह की तरफ से दिल में डाल दी। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था।